भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक त्योहारों में से रक्षाबंधन भी एक त्योहार है, जो कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दिखाता है। रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर सभी बहनें अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं और अपने भाइयों से रक्षा का वचन मांगती हैं। साथ ही सभी बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना भी करती है। अगर हम पौराणिक मान्यता की बात करें तो उसके अनुसार राखी का पावन त्यौहार श्रावण मास यानी सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष इसकी डेट को लेकर कुछ लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ज्योतिष के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से आरंभ होगी और 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन साथ ही ज्योतिषों का कहना है कि 11 अगस्त के दिन सूर्योदय से ही भद्रकाल लग रहा है, जो कि 11 अगस्त की रात्रि 8:51 पर समाप्त होगा। इसलिए लोग अपनी मान्यता और अपने ज्योतिष के अनुसार राखी का त्योहार मना सकते हैं। वहीं हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य भद्रकाल में नहीं होता है। बता दें कि वैसे ज्योतिष जिन्हें शास्त्रों की जानकारी है, उनका कहना है कि इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व एक बेहद शुभ योग में मनाया जाएगा और इस दुर्लभ योग के कारण ही इस बार का रक्षाबंधन का त्योहार और भी ज्यादा खास होने वाला है। अगर ज्योतिषों की माने तो उनके अनुसार भाई बहन का यह प्यार भरा त्योहार अमृत योग में मनाया जाएगा। उनका कहना है कि रक्षाबंधन पर 24 साल बाद यह संयोग बना है। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के हाथों पर राखी बांधने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम राखी के थाली में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखेंगे। इन सभी चीजों के साथ ही हमें एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करना होगा, जिससे भाई की आरती उतारी जाएगी। वहीं पूजा की थाल और रक्षा सूत्र भाई के हाथों में बांधने से पहले भगवान को समर्पित करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बंधवाते समय भाई का मुख पूर्व दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व या उत्तर दिशा में भाई का मुख करके राखी बांधने से उस पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। इन सभी तैयारियों के बीच इस बात का भी ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई और बहन का सर खुला न रहे। रक्षा बंधवाने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेना ना भूले और इसके बाद बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार दे। उपहार देने समय यह ध्यान रखें कि उपहार में कुछ ऐसी वस्तुएं दे जो आप दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र, नुकीली चीजें या तीखी या नमकीन चीजें उपहार के रूप में अपनी बहन को देने से बचें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।